हेलो मेरे कैमरे पे आ रहा है एक मिनट रेडी बाकी सब आर्टिस्ट को पहचानते हो बाकी ये प्रोड्यूसर है हाय एवरीबॉडी संदीप आर्य संदीप आर्य जी समझे बाकी सबके बारे में बताने मैं मनु ऋषि मैं माही डॉली आलू वालिया मैं माही तो आप शुरू करो सवाल शुरू कर दो जी अच्छा तो बहुत सारी यादें हैं बिकॉज हम लोगों ने जो टाइम देखा है वेर एन यू नो वी हैव सीन देन देयर वाज नो टेलीविजन देन देयर वाज टेलीविजन और जब हम लोगों के घर में जाके टीवी देखते थे और जब हमारे घर में टीवी आया तो लोग हमारे घर आके टीवी देखते थे और वो ब्लैक एंड वाइट सब कुछ आई मीन इट वाज सो एक्साइटिंग मतलब एक ही दूरदर्शन ही था उस टाइम और कमाल के शोज थे उसके ऊपर और हम काफी सारे कैरेक्टर्स जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको हम पोस्टर पर देख रहे हैं लेकिन टेलीविजन स्क्रीन को भी हम देख रहे हैं तो उसका क्या रोल है फिल्म के अंदर जी देखिए मेरे पास गगन पुरी जी आए जो कि एक बड़े जीनियस डायरेक्टर हैं ही इज़ वेरी यंग वाइब्रेंट ही इज़ लाइवली यू नो ही केम अप विद अ स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट में दो एराज थे एक 90s का एरा था अर्ली 90s एंड देन द प्रेजेंट एरा सो जब हम पुराने समय की याद करते हैं तो सिर्फ हमारे जो पहला चीज़ आती है दैट इज़ दूरदर्शन यू नो बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव ग्रोन अप वॉचिंग दूरदर्शन यू नो सो और फिर उसमें क्या था हमारी टैलेंटेड डोली आलू वालिया जी शी इज़ प्लेइंग दैट पीजी एंड दादी का रोल एंड देन वो एकदम होश में आती हैं 30 साल के बाद एंड वो बोलती है भैया मेरा दूरदर्शन पे वो बुनियाद का यू नो वो आया कि नहीं आया बसेसर राम आया कि नहीं आया वो रावण मर गया सो यू नो दैट एरा सो दूरदर्शन Here we go. We have Doordarshan now. मेरा डॉली जी से एक और सवाल है डॉली जी आपका किरदार काफी चटपटा फिल्म में दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप पूरी फैमिली को घुमाती भी नजर आ रही है तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था क्योंकि कहते हैं कि जब आप कॉमेडी करते हैं तो काफी आपको कॉमेडी उसी टाइमिंग से डिलीवर होगी काफी ज्यादा टफ होगा तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत इसके क्योंकि ये 30 साल से कैरेक्टर डेड था तो उसको दोबारा जिंदगी मिलती है तो यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ होगा कि पूरे शरीर में उथल पुथल दिमाग में उथल पुथल सबके मेरे इर्द गिर्द मेरा बेटा मेरी बहू सबको मैंने नचाया हुआ था क्योंकि मैं खुद नाची हुई थी मैं उनकी जो थी उनका एक सवाल करना चाहती हूँ आपने दूरदर्शन के लिए बोला था मुझे लगता है टीवी का जो अगर हम फॉर्म की बात करें जो शेप की बात करें दैट इज दूरदर्शन उसके बिना नथिंग वाज देयर इट्स दैट इट्स द बर्थ ऑफ दूरदर्शन रिवर्स हाय मैम दिस इज प्रिया फ्रॉम लाइव न्यूज़ इंडिया मैम मेरा सवाल आपसे है कि आपने ऑलरेडी इतनी सारी मूवीज ऑलरेडी करी हुई है कॉमेडी भी और सीरियस भी तो इसमें कितना फर्क है उन मूवीज से आप देखो पता चलेगा इसमें रोल के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो जैसे मैंने अभी बताया था कि एक डेड बॉडी को अचानक लाइफ मिल गई है तो जो भी करंट मिलने होते हैं उसको जो भी खाना मिलना होता है अगर वो टेस्ट के अनुसार ना मिले तो आदमी का दिमाग ख़राब होता है तो यही औरत का जो दोबारा जीना चाहती है उसका दिमाग ख़राब होता है लेकिन टर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो कैरेक्टर है ये अपने आप को आज के युग में कैसे देखता है और क्या समझ पा रहा है विदवी शी वॉन्ट्स टू लिव इन दिस एरा और शी डजंट वॉन्ट टू लिव दैट इज वॉट अ फिल्म टॉक्स अबाउट मेरा सवाल सबसे कि शूट के दौरान की कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स जो आपको 80s की याद है बहुत थे बहुत ज्यादा बहुत शूटिंग शुरू होने से पहले ही हम लोग शुरू हो जाते थे हाँ मतलब डिस्कशन होती थी शूटिंग शुरू होती थी हम उससे 10 मिनट पहले जो हम मिलते थे तो हमारे पास इतने किस्से होते थे कि हम उन किस्सों में एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते थे जो हमें बहुत हेल्पफुल होता था तो वो किस्से बनते जा रहे थे सब यादों में तैरते जा रहे थे विच वाज अ वेरी गुड थिंग आई थिंक द बेस्ट मोमेंट इन दिस फिल्म जो मैंने जैसे आपने बोला मैंने किया एक्टिंग की हुई है सबसे जो अच्छी बात ये थी कि हम लोग एक परिवार था जहाँ पे प्यार था लड़ाई थी सब कुछ
जोश था और उसने हम दिए डांट। मैंने लिटरली एज अ मदर इसको डांटा है। मुझे बहुत भी आप बहुत बड़े स्टार के होंगे, आप जो होंगे, लेकिन हियर मुझे ये चाहिए। जब जब मेरे को डांट पड़ी ना नॉली जी से कि होगा तू अपने घर में बहुत बड़ा स्टार, तो मुझे 5 सेकंड के लिए बड़ी खुशी हुई कि चलो कब से बात स्टार तो बन गए। बट दैट वाज बिकॉज़ यू नो द इट रियली हेल्प्ड, इट हेल्प्ड यस हम लोगों को एक दूसरे के, और प्लस हमारे जैसे गंगापुरी जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत अच्छी छूट मिली थी कि हम लोगों को इम्प्रोवाइजेशन करने का। बड़ी सुंदर इम्प्रोवाइजेशन हुई कि हमने जैसे क्या होता है कि एक टाइम तो क्रिएट कर दिया माँ के लिए एक इमोशनली कि वो दौड़ ले जाते हैं 90s का लेके आते हैं, लेकिन शरीर बदल गया और माँ को अगर ये लग रहा है कि वैलैती राम नहीं आया तो इन्होंने उठते कहा कि तू मोटा कैसे हो गया, ये इम्प्रोवाइज मोटा कैसे हो गया, तो फिर इन्होंने अपने आप ही बताया कि बोल दे थायराइड हो गया तो देन आई हैड थायराइड हो गया। अच्छा वो स्क्रिप्ट में नहीं था, नो नो नो, डॉली बाय मोली गेट दैट जी। आपकी फिल्म दूसरे इस तरह की कॉमेडी फिल्म ज्यादा मुश्किल कौन सा रोल लगता है आपको? ऐसा नहीं कि कुछ मुश्किल लगता है, इट्स जस्ट दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर वांट्स। आपको स्क्रिप्ट समझ में आनी चाहिए, आपका रोल समझ में आना चाहिए, डायरेक्टर क्या चाहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, इट बिकम्स वेरी इजी। एंड देन यू हैव व्हेन यू हैव गुड कोएक्टर्स विद यू उससे बहुत फर्क पड़ जाता है बिकॉज वो गिव एंड टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप परफॉर्म कर रहे हो आगे वाला नहीं कर पा रहा या आगे वाला कर रहा आप नहीं कर पा रहे, तो फिर वो एक केमिस्ट्री नहीं बैठती। तो आई थिंक ओवर हियर इट इज बोथ द फिल्म आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर मी बिकॉज क्या मजा आया, क्या मजा आया। मैं मुझे याद है संदीप ने भेजा हमारे ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्शन टीम से आए हमारे, मेरे को कहते चलो बाइक बुलेट चला, बुलेट है ऊपर से तो अब मुझे कनेटिक मैंने चलाया बिकॉज फ्रॉम चंडीगढ़ तो कनेटिक होंडा में चलाती थी तो वो बैलेंस ही मुझे आता था, तो मैंने आधे घंटे में पिक कर बुलेट, लोग डर रहे थे बहुत। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई जब मैं दिल्ली की सड़कों पर चला रही थी, स्पेशली जब मैंने एक तो उसका वेट और फिर इनको बैठ के आके चला रही थी, इनका वेट जहाँ मैं अकेली चला रही थी, मतलब दास चला रही थी वहां पर इंडिया गेट के पास, तो पर मैं सांस रोक के बैठता था इतना वेट कम करके उतना अच्छा। हाँ जो ये प्रिया है काफ़ी लड़ाकी है लेकिन अपनी सास से बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, सिर्फ इससे डिवोर्स चाहती है और ये डिवोर्स नहीं दे रहा मेरे को, ये मुझे तंग करता है। मैं इसलिए नहीं डिवोर्स दे रहा क्योंकि मैं एक्चुअली प्यार करता हूँ ना, तो जब मैं प्यार करता हूँ ऐसी चीज मैं क्यों दूंगा। और बोलते अगले हफ्ते आना मेरे को चंदा मांगने गई थी तो ये है ये कैरेक्टर। मेरा आपसे सवाल है कि दूरदर्शन से जुड़ी हुई यादें तो आपने बताई हैं, स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तब आपका फर्स्ट रिएक्शन किया था, क्योंकि जब भी ऐसी फिल्में बनती हैं तो आजकल वेब सीरीज का भी जमाना है तो बहुत सारी फिल्में क्या दबकर रह जाती हैं, वो नहीं पहुंच पाती सही ऑडियंस तक, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं यही पहला सवाल क्या था आपका, दो इकट्ठा हो गया, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब मुझे स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी तभी तो मैंने इमीडिएटली हाँ बोल दी, बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड ऑफ डूइंग दो सेंसुअस रोल्स, नॉट दैट आई डोंट एंजॉय देम, मैं एंजॉय करती लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो गया था उस तरह के कैरेक्टर, सो आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। तो मुझे जब मेरे पास आई थिंक बहुत राइट टाइम पर आए एंड आई लव द स्क्रिप्ट और मेरा रोल बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे पता चला कि डॉली मैम है और मनु है, तो यू नो मैं पहले से जानती थी और मुझे पता है बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं, तो वो एक दैट्स द रीजन आई वांटेड टू डू द फिल्म। और मुझे गगन में वो दिखा, एक पैशन दिखा था कि ही विल मेक अ गुड फिल्म, तो वो सेंस एक आ गया था। और दूसरी बात के फिल्म में जी मैम या इट इज यू नो समटाइम्स इट इज रियली सैड बट आई जस्ट बिलीव दैट एवरी फिल्म हैज इट्स ओन डेस्टिनी, बट एट द सेम टाइम यस ऑडियंस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है ऐसे सब्जेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज लोग इनसे रिलेट कर सकते हैं, तो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि ये फिल्म आपके थ्रू ही पहुंच सकती है और कोई जरिया नहीं है हमारे पास, तो जितना आप कर सके इसको प्रमोट कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि वो फिर पहुंचेगी ऑडियंस। मुझे लगता है ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है, आप इस तरह का अगर ऑडियंस हम लोग काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे फॉरेन पॉलिसी, जो हमारे पहनावे में भी वो बात है ना, दूरदर्शन का भी ये बात होगी थी, एक तो सर्टन उनके गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आपको गांव-गांव में ये चीज़ नज़र आई, जबकि दूसरे जो चैनल्स आए उनको एक तरह की फ्रीडम थी जो करने के लिए, दैट इज़ अ वाई एंड बहुत मसाला
आप अगर कह देना कि जो क्रिस्पीनेस और जो आई वुड से मैं बिल्कुल हिचकाऊंगी नहीं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो आप बाकी चैनल्स में ज्यादा है बनिस्पत बीइंग रियल, दूरदर्शन आज भी हकीकत है बिल्कुल, और मैं आज भी देखती हूँ. So that's it. Yeah, समोसे यही हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म बहुत रियल और एक और बात, अगर आपने देखा हो तो उस टाइम जो सीरियल्स आते थे वो अपने टाइम से काफी आगे थे, अगर वो शोज आ जाए सोचो क्या हो. मतलब ये पूछा मुझसे, मैं इतनी हमारे अंदर ऊर्जा होती थी कि हम लोग का देखना है, बुनियाद देखना है, नहीं मिस करना, रामायण देखना है, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस घर पे होता था, नाश्ता वाश्ता सब पहले बन जाता था कि हम लोग खा के उसके बाद आराम से देखेंगे, या देखने के बाद लाइक अ पूजनीय थिंग, रामायण को भी हम लिटरली पूजनीय के तौर पर. एंड लेट मी टेल यू देयर वाज सो मेनी इन्फॉर्मेशन गिवन थ्रू रामायण महाभारत जो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, सो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ नॉलेज, दूरदर्शन वॉज प्रोवाइडिंग नॉलेज टू अस. आई वॉज वॉचिंग हम लोग द अदर डे, यू नो फर्स्ट एपिसोड ऑफ हम लोग, उसमें बसेसर है और नन्ने नन्ने एक कैरेक्टर है, तो बसेसर जी आते हैं, नन्ने वुड से डैड आज कहाँ गए थे, तो बसेसर वुड से अरे डैड वैड मत बोला कर, मरने जैसी फीलिंग आती है. आई मीन यू नो डैड डायलॉग, यू नो इन दोस टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट 86 87, आई वुड नॉट हेजिटेट इन सेइंग आई वेंट फॉर द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द सिस्टर्स, उसके जो बड़की छुटकी और थे मछली के लिए उसके लिए गए थे, और एक बड़ी एज एन एक्टर आपके अंदर एक बहुत प्यास थी, भूख थी कि हाय हम करेंगे, हाय इतने बड़े राइटर मनोला, इतने बड़े राइटर उनके साथ करने के, और रेवती जी जो बना रहे हैं, और वो यू नो मैं ये नहीं कह रही कि आज का गलत है, हर टाइम अपने साथ होगा, लेकिन मेरी एसोसिएशन है जो आज तक है दूरदर्शन. आज आजकल के जितने भी शोज हैं वो छुपाते हैं, पहले वो लोग दिखाते थे, क्योंकि मिडिल क्लास जितना सुंदर तरीके से हम लोग में हमें दिखाई दिया है, क्या हम किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में इतने लेविश सेट्स के साथ इतना, क्योंकि वही डिमांड एंड सप्लाई जब वो खेल हो जाता है, अब अद्भुत दुनिया देखना चाह रहे हैं लोग. Absolutely. इसलिए बहुएं जो है वो 24 घंटे मेकअप में रहती हैं, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है. तो डॉटर्स आर ड्रिंकिंग इन फ्रंट विद द कंपनी ऑफ द फादर्स, यू नो ये जो चीज, ये सभ्यता अगर हम दिखा रहे हैं, हम नहीं ढकना चाह रहे, क्योंकि एक बेडरूम अगर हमारे घर में बनाया गया है, इट शुड बी लाइक अ बेडरूम. एब्सोल्युटली, यू कांट मेक इट लाइक अ ड्राइंग रूम और अ लिविंग रूम कि आप सब कुछ दर्शनीय कर रहे हैं. जस्ट टू ऐड, रीडर्स जो थे उस समय के, क्या ग्रेस थी, क्या ग्रेस थी, एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टाइल. सलमा सुल्तान वो रोज हम देखते हैं, एंड यू नो इवन वो पेन से वो कौन करते थे, महेश्वरी सरला, नहीं एक वो पेन सरला सरला महेश्वरी, दोनों एक पेन निकालते थे और प्रतिमा पुरी जी, ओ व्हाट अ ग्रेसफुल लेडी. सो सिविलिटी, हर जो भी डिबेट होता था टीवी पर एक सिविलिटी थी, साउथ इंडियन जो फूल लगाते थे. स्कूल में हमें बताया जाता था कि आप न्यूज देखा करो, अगर आपको कुछ अंग्रेजी भी सीखनी है, किस तरह से पोलाइटनेस अपने यू नो बिहेवियर में लेके आनी है, यू गो एंड वॉच द न्यूज. Our teachers used to say this. So there was civility, there was, you know, decorum. आज तो शोर है. वही opinion रखे जाते थे, अब opinion थोपे जाते हैं. मतलब है वही opinion oriented society है हमारी, लेकिन लोग इकट्ठा बैठ के टीवी देखते थे. That was also so important that time. Yeah, yeah, yeah. Family sitting and knit together. Knit together. अभी तो everybody is busy on their own. मेरा सवाल, मैं संजीव, मेरा सवाल ये है कि आपकी फिल्म का जो टाइटल है वो है दूरदर्शन. अभी टाइटल की बात ही हो रही थी. कॉमेडी ड्रामा है आपकी फिल्म, जैसे कि ऐसा नहीं सोचा कि ये टाइटल बहुत ही चैलेंजिंग होगा आज की पीढ़ी के लिए, जिसमें दूरदर्शन क्लासिक एरा ऐसा कुछ? पर दूरदर्शन से डर किसको लगता है, ऐसा तो नहीं है. दूरदर्शन तो यादों की चीज है. अगर हम देखें तो आज स्टार और सोनी के वर्ल्ड में हम दूरदर्शन का नाम लेते हैं तो डर तो नहीं लगता. ये तो आप अलग पर्सपेक्टिव, इट्स द पर्सपेक्टिव आई गेस. जो कहानी आपकी है वो बिल्कुल क्लासिक एरा भी प्ले करती है, और आज की पीढ़ी क्या लगता है आपको? सी इट्स नॉट अबाउट क्लासिक एरा, वी आर टचिंग अपॉन टू एरास हियर. वी देयर वाज लाइक 89 के कुछ हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरीज इन प्रेजेंट एरा ओनली.
But then there is a family, they are dealing with the, you know, this thing. A sick because, person. Yeah, there is a situation here wherein Dadi wakes up after 30 years and then she would demand, ki bhaiya ye Doordarshan, and then we are touching upon that era, you know. जो छोटी छोटी चीजें होती थी, एक लैंडलाइन फोन होता था हमारे पुराने एरा में, तो हम सब सारा परिवार चिपक जाता था लैंडलाइन की, मामी का फोन आया, फुफा जी का फोन आया, या किसका फोन आया। Now we have cell phones, everybody is carrying only 3 cell phones. I mean, हम absolutely दूसरे एरा में आ गए हैं। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही हूँ, जो अभी फिलहाल इस कमरे में हो रहा है वही हमारी फिल्म है। आप प्रेजेंट एरा की कर रहे हैं, हम आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक लेके जा रहे हैं। लेकिन फिल्म के अंदर आज के आज की जनरेशन भी है, हमारे जो बच्चे बने हैं दोनों के, वो आज की जनरेशन है, और उनको उस जनरेशन से मिलवाना कहीं ना कहीं एक मेटाफोर भी है कि आपको पता होना चाहिए कि पीछे आप आपके लोग क्या थे। तो वो फन और ह्यूमर जो होता है वो स्लैपस्टिक नहीं है, बहुत ही इमोशनली भी फिल्म को हैंडल किया गया है। सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि माँ के सामने डांट ना खानी पड़े, माँ को एकदम शौक ना लगे कि दुनिया बदल गई है, उनको धीरे धीरे बताना है कि दुनिया बदल गई, और फिर उनको खुद एहसास होता है उसको छुपाने में जो कर रहे हैं, सिचुएशंस बन रही हैं। सो दैट्स व्हाट दूरदर्शन इज ऑल अबाउट। मेरा फेवरेट तरुकावट के लिए खेद है, मैं उसको भी बहुत शिद्दत से बैठ कर देखती थी। आई नो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज से गुड वर्ड्स अबाउट अवर फिल्म, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। इन द सेंस जो की सच्चाई को आगे दिखाते, प्लीज हमारी जो फिल्म है सच में आप लोगों को खुद को यकीन होगा इस चीज के लिए, फैमिली फिल्म है, सब इकट्ठे बैठ के डैडी बेटी का हाथ पकड़ के, बेटा डैडी का हाथ पकड़ के। और तुम निकालोगे माइक खराब हो गया, थैंक यू।